कॉन्स्टेंट एम्पीलिज बाई आर्क ऑफ सर्किल मेथड, मेजर टायर 120 और माइनर टायर है 60 मिलीमीटर। ये हम आपको ड्राइंग बोर्ड में अभी बताने जा रहे हैं, थोड़ा गौर से देखिए कैसे बनता है। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, क्रैकर कभी कभी आ जाता है परीक्षा में आप लोग को, तो इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मांगेंगे देखते हैं और क्विक पेंसिल, एचबी पेंसिल है ना, एचबी पेंसिल बोले इधर भी वाला टुंग टुंग करने लगा। सेव कैसे साइलेंट कैसे सेल रेडी। देखो पहले हम 120 का यहाँ से 30 से शुरू कर रहा है, कहना यहाँ से एक से नहीं होगा, 30 से 42 माने 120 का एक स्ट्रेट लाइन खींच लिए टी स्क्वायर। अब मिडिल पॉइंट ले लिए, यहाँ मिडिल पॉइंट लिए 60/60 में, यहाँ एक 90 डिग्री का खींच लिए और यहाँ लेके यहाँ खींचे। ठीक है, अब यहाँ 60 लेना है तो यहाँ से 30 में पॉइंट कर लेंगे यहाँ और यहाँ से 30 में पॉइंट कर लेंगे यहाँ। ठीक है, देखो पूरा 30 आया। ठीक है, हम अंदाजे। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी कर लेंगे और ए और बी कर लेंगे। ठीक है, और ये सी और डी, ए और बी मेजर डायमीटर मेजर एक्सिस और सी और डी माइनर एक्सिस, डायमीटर भी बोला जाता है, मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, हमको फोकस निकालना है, तो फोकस निकालना है तो पहले कंपास लेंगे। देखो अर्ध ये जो व्यास है उसका आधा व्यास को हम ले लिए। ठीक है, तो ये ओ पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, ओ पॉइंट है। ये आधा व्यास जब लिए, ठीक है, ये आधा व्यास लिए, आधा व्यास लेने के बाद हम ऊपर में से इसमें काटे तो ये एफ वन हुआ, ये एफ टू हो गया। इसको प्रूव करने के लिए इधर से भी देख लो, यहाँ एफ वन में कट रहा है यहाँ पर, तो ये दो फोकस हो गया, यह फोकस वन और फोकस टू, ये इसका दोनों तरफ दो फोकस होता है, ये एफ वन और एफ टू हो गया। हमको आर्क ऑफ सर्किल मेथड माने सर्किल का आर्क से हमको बनाना है और आर्क को इंटरसेक्ट करेगा, आर्क इंटरसेक्ट करेगा और पॉइंट बनाएगा। यहाँ पर एफ वन से लेके ओ के बीच में हम 3, 4, 5 जितना भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन कोई पॉइंट का डिस्टेंस का बराबर डिस्टेंस हो इसको ही मतलब नहीं है, हैपाजेटली हम ले लेंगे। हम 3 पॉइंट ले रहे हैं, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा होगा तो थोड़ा टाइमिंग लगेगा, हम जल्दी में आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग 3 से 4, 5, 6 कुछ भी पॉइंट लेके अच्छा से बना सकते हैं। जितना ज़्यादा पॉइंट लीजिएगा उसका ग्रिप अच्छा रहेगा और उसको आप कंस्ट्रक्ट माने फ्रेंच कर्व से भी अच्छा से कर सकते हैं, और नहीं तो फ्री एंड भी अभी लिफ्ट मिला सकते हैं ज़्यादा पॉइंट लीजिएगा तो। कम पॉइंट लेने से थोड़ा कॉन्सेप्शन अच्छा होने पर तभी हम इलिप्स को ठीक से ड्रॉ करें, हम कम पॉइंट में ही कर दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं प्रोसेस स्ट्रोक को जानना है। तो 1, 2 और 3 और 4 ले लीजिए, चलो 4 पॉइंट हम ले लिए, 3 पॉइंट ले लीजिए 4 ले लीजिए, तो 1, 2, 3, 4 4 पॉइंट ले लिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कंपास को ए से ए वन मापेंगे। पहले तो हम अरे तो पेंसिल से हम बता दें, जो देखिए यहाँ क्या काम करना है, तो पहले ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ये 4 पॉइंट हमको जानना है, क्या डिस्टेंस लेना है। फिर बी वन बी वन बी टू बी थ्री बी फोर ये डिस्टेंस हमको लेना है। क्यों लेना है हम बता दे रहे हैं, जो ए वन हम पहले लेंगे ए वन, देख लीजिए जैसे जैसे लिए हैं वैसे वैसे हमको लेते जाना है। ए वन लिए, ए वन लेके हम एक एक फोकस से ऊपर काटेंगे और नीचे के ओर काट लिए। फिर इधर बी एफ टू से भी ऊपर के ओर ऐसे काटेंगे, एकदम सीधा सीधा नहीं हो जाना चाहिए, यदि ये आर्क हम एकदम सीधा ऐसे ऐसे लेते रहें तो हमारा इलिप्स का लाइन खींच नहीं सकेंगे, इसलिए हमको सी
माने बी टेंडिंग्स टू सी जाएगा आर्क, तो हमको देखना है ये लाइन के अंदर आर्क लेना है, नहीं तो कोई यहाँ ले लेंगे तो इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो हमको वाला देख के हम सी के और यहाँ पर भी ले लिए। अब ए टू लेंगे, ए टू देखिए यहाँ पर ए टू पॉइंट ले लिए, ए टू और यहाँ पर भी आर्क कट लें, ये सर्कल का आर्क खींच रहे हैं, ये हो गया तीन टू। ए फोर, ए फोर में भी खींचेंगे, ए फोर माप लो, ए थ्री छोड़ गए, ए थ्री, ए थ्री लेंगे, ए थ्री का ए थ्री माप ले रहे हैं, ठीक है, ए थ्री लेके फिर ए पॉइंट से यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, फिर ए पॉइंट से दिस कटेंगे, यहाँ कटेंगे, देखिए बी से टेंडिंग्स टू ग्राफ जाएगा तो इसे टेढ़ा आ जाएगा, सीधा सीधा नहीं आएगा, स्ट्रेट टेढ़ा में आया तो यहाँ आएंगे। ए फोर का भी लेंगे, अब देखिए ए फोर है, ए फोर, ए फोर का यहाँ ले लिए, ठीक है माप, फिर एफ से यहाँ काटे, यहाँ काटे, फिर यहाँ भी एफ से काट लिए, इतना आर्क मिल गया। अब देखिए बी वन का होगा, इतना हुआ जी, अब आएगा, अब शुरू, अब आएगा बी वन, अब बी से सेम काम करना है, बी वन ले लिए, ठीक है बी वन लिए, बी वन से ए माप ले लिए, ए पॉइंट से इसको काटेंगे और यहाँ काटेंगे, ठीक है फिर ए पॉइंट से यहाँ काटेंगे और यहाँ काटेंगे, ठीक है देखिए यहाँ काटा नहीं, थोड़ा सा बढ़ेगा, बढ़ा देंगे बाद में, फिर ए बी थ्री से बी टू, बी टू जी सर, बी टू, बी टू आएगा सर, बी टू सर, बी टू, हाँ अब हम बी टू से बी टू का माप लिए, ठीक है क्या लिए, बी टू, बी टू का माप ले लिए, बी टू में एफ टू से बी टू में यहाँ काट रहे हैं और यहाँ काट रहे हैं, एफ वन से इसमें काटें, ये आर्क में काटे, देखिए इंटरसेक्शन हुआ आर्क, फिर बी थ्री लेंगे, बी थ्री लेंगे, ठीक है P3 लेके F से काटेंगे, ठीक है फिर F2 से काटेंगे, इसमें ठीक है, अब B4 लेना है, B4 लेंगे, B4 लेंगे, फिर F2 से B4 में काटें और यहाँ काटें, फिर एफ वन से भी बी फोर में काटे, यहाँ यहाँ, अब देखिए पॉइंट मिला कितना, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट आगे मिला हुआ था, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, अभी हम चार पॉइंट मिला, एक दो तीन चार, एक क्वाड्रेंट में चार पॉइंट हो गया, फिर दूसरा क्वाड्रेंट में भी चार पॉइंट हुआ, देखिए एकदम ए से डी तक और जा रहा है पॉइंट, तो अब फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हैं और हम फ्री हैंड भी कर सकते हैं, फ्रेंच कर्व से करने से भी होगा, हम फ्री हैंड कर दे रहे हैं, फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हैं और फ्रेंच कर्व अवेलेबल नहीं है, हाँ ठीक है। ए पॉइंट से जाएगा, ए पॉइंट से बी, बी से सी, आगे बी से शुरू कर ले रहे हैं, तो एक हम कर बी से शुरू कर रहे हैं, ये पॉइंट होते हुए, जिस पॉइंट होते हुए जा रहा है, यहाँ पर भी ये पॉइंट से शुरू कर ले रहा है, देखिए लिपस्टिक जा रहा है अपना, ठीक है। अब देखिए ए और बी से हमको जाना है, ए और बी से हमको ले आना है, दिस
ये हो गया, देखिए कॉन्स्ट्रक्ट हो गया एलिप्स का। अब देखिए आउटसाइड हम डायमेंशन भी दे देना है, डायमेंशन कैसे दे देना है वो भी देखिए प्रोसेस, तीर बैठा के एक सौ बीस मिलीमीटर ये बैठ रहा, ये हो रहा है सिक्सटी मिलीमीटर, सिक्सटी मिलीमीटर हो गया। और इसका एलिप्स का नाम भी नीचे लिख दे रहे हैं हम, जो कॉन्स्ट्रक्ट एंड एलिप्स, कॉन्स्ट्रक्ट एंड एलिप्स, कॉन्स्ट्रक्ट एंड एलिप्स बाई आर्क ऑफ सर्कल मेथड, मेजर डाया, मेजर डाया 120 मिलीमीटर और माइनर डाया, माइनर डाया 60 मिलीमीटर। अब शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, मेन तो ये दो ठो पॉइंट में हम आर्क काटने का पॉइंट जान लीजिएगा, चार चार पॉइंट लेना है, इंटरसेक्ट करेंगे और आप बन जाएगा, ठीक है।